हेलो सुपर फ्रेंड्स, वांडा विजन का ट्रेलर आ गया। खैर 2020 में उम्मीद तो नहीं थी कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने क्लियर कर दिया है कि ये शो डिज्नी प्लस पर इसी साल आएगा। अब एग्जैक्ट डेट तो इस ट्रेलर में भी नहीं रिवील की गई, खाली कमिंग सून बताकर छोड़ दिया गया है। खैर ट्रेलर काफी अच्छा है, कई सारे पुराने कैरेक्टर्स, कुछ नए कैरेक्टर्स और एक अलग तरह का प्लॉट लग रहा है। और इस वीडियो में इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करने वाला हूं, तो कुछ स्पॉयलर्स मिल सकते हैं, इसलिए पहले से स्पॉयलर वार्निंग। अब ट्रेलर की शुरुआत होती है द प्लेटर्स के ट्वाइलाइट टाइम के बैकग्राउंड म्यूजिक से, और साथ में स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो जो पुराने टाइम के टीवी जैसा स्क्वायर सा है, और ट्रेलर बढ़ते बढ़ते इसका एस्पेक्ट रेशियो भी बढ़ता जाता है। मार्वल स्टूडियोज का लोगो दिखता है, उसके बाद विजन और वांडा शादी करके कार में जा रहे हैं, जस्ट मैरिड का टैग भी लगा है। इनकी कार का नंबर 0102 है। इसका भी कोई ईस्टर एग होगा जो अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन आगे चलकर जरूर पता चलेगा, क्योंकि मार्वल वाले बिना किसी मतलब के कोई चीज भी ट्रेलर में नहीं रखते हैं। अब इस पूरे सीन को समझें, और जैसा कि एक्टर्स और मेकर्स ने बताया भी है कि ये 1950s के टाइम के सिटकॉम्स जैसा शुरू होता है, जहां विजन अपने माइंड स्टोन के साथ दिखता है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने विजन की खोपड़ी तोड़ के माइंड स्टोन निकाल लिया था, विजन भी मर गया था, तो फिर दोनों चीजें यहाँ पर कैसे दिख रही हैं? अब विजन कैसे वापस आएगा ये अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन पॉसिबिलिटीज की बात करें तो स्कारलेट विच ने हो सकता है अपनी रियलिटी अल्टरिंग पावर से इल्यूजन्स क्रिएट किए हों, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के अकॉर्डिंग इस शो में स्कारलेट विच की फुल कॉमिक्स पावर्स देखने को मिलेंगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी छोटे से टाउन वेस्ट व्यू में जाकर स्कारलेट विच ने वहां की पूरी रियलिटी ही चेंज कर दी हो, अपने मन के हिसाब से कई सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए हों, और जब वहां के कुछ लोगों को असलियत पता चल जाए या इसका असर बाहरी दुनिया पर पड़े तो स्टोरी में ट्विस्ट आएंगे। वैसे जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स हैं वो बिविस्ट सिटकॉम से इंस्पायर्ड हैं, जहां एक विच नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए एक नॉर्मल आदमी से शादी करती है और एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश करती है। यही बीच में एक न्यूज़पेपर विजन के हाथों में दिखता है। ये न्यूज़पेपर वेस्ट व्यू हेराल्ड है, जिसमें माँ और एक बच्चे की न्यूज है, बच्चे के पहले शब्द को बोलने को लेकर। अब ये हिंट हो सकती है शो में वांडा और विजन के बच्चों की, जो ट्रेलर में आगे चल के दिखते भी हैं। साथ में एक और हिंट है कि ये सीन्स असली नहीं है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये न्यूज किसी भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की पहली न्यूज नहीं हो सकती है। इन्फिनिटी वॉर में भी विजन की ह्यूमन फॉर्म देखने को मिली थी, और यहाँ पर भी वांडा विजन को नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में चेंज करती है। उसके बाद कैथरीन हान दिखती है, जो एक ऐसी पड़ोसन का रोल कर रही है जो हर काम में नाक घुसाती है। अब फैन थियरीज की माने तो ये शो की विलेन होने वाली है। उसके बाद जादू वादू के सीन आते हैं, बोतलों से शराब अपने आप गिर रही है, मतलब वांडा कर रही है सब अपनी पावर्स से। अब बॉटल पर नाम लिखा है मेजन टू मैप्री, जिसका मतलब है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट। अब इसी के जैसी हाउस ऑफ एम नाम की एक फेमस स्टोरी लाइन भी है कॉमिक्स में, जिसमें स्कारलेट विच पूरी दुनिया की रियलिटी ही चेंज कर देती है, और इस शो में भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। उसके बाद दैट 70s शो की फेमस किटी फॉरमैन दिखती है, जो वांडा विजन की एक और पड़ोसी है। ये लोग खाना खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सीन काफी बिगड़ जाता है। वांडा और विजन पर काफी सारे क्वेश्चंस दाग दिए जाते हैं। यहाँ पर स्कारलेट विच के हैंड जेस्टर्स को देखकर लग रहा है कि वो मैजिक कर रही है, शायद उसकी बनाई रियलिटी से कुछ अलग चीजें होने लगी हों, जिसको ठीक करने की वो कोशिश कर रही है। यहाँ विजन को भी फील होता है कि कुछ गलत। यहीं पर एक्टर फ्रेड मेलामेट का कैरेक्टर आर्थर को ज्यादा ही जोश में आ जाता है, और वांडा और विजन के पास्ट के बारे में जानना चाहता है। तभी छोटा सा रिवाइंड दिखाकर एक और फ्रेश स्टार्ट दिखाई जाती है, जैसे 1980s के टीवी शोज होते थे, कलरफुल और एक नए एस्पेक्ट रेशियो के साथ। अब यहाँ पर स्कारलेट विच की वॉइस ओवर सुनाई देती है कि क्या ये असली में हो रहा है, मतलब उसको खुद भी नहीं पता है कि वो रियलिटीज क्रिएट कर रही है। ये चीज कई बार हम कॉमिक्स में भी देख चुके हैं, जहां वो अपनी ही क्रिएट की हुई रियलिटीज में इतनी खो जाती है कि वो रियल और फेक वर्ल्ड का डिफरेंस तक भूल जाती है, और ये चीज उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब ब्लैक एंड व्हाइट डिनर सीन में बच्चे ना होने के क्वेश्चन को भी वांडा ने इस रियलिटी में फिक्स कर दिया है, जहां वांडा विजन के दो ट्विंस हुए हैं। कॉमिक्स में भी इनके विकन और स्पीड नाम के दो बच्चे हैं, तो ये भी उसी का रेफरेंस है। अब कैथरीन हान का कैरेक्टर फिर से 1980s की रियलिटी में एक नए लुक में वापस से दिखाई देता है। ये भी पॉसिबल है कि ये रियल वर्ल्ड से कोई हो जो वांडा के क्रिएट की गई रियलिटी में एक बार आ गई हो, और वांडा की पावर्स या फिर उसकी वीकनेस का फायदा उठाने के लिए बार बार हर रियलिटी में किसी तरह पहुंच जाती हो। उसके बाद हेलोवीन भी आता है, जहां स्कारलेट विच अपनी हेलोवीन कॉस्ट्यूम में दिखती है, जो कॉमिक्स एक्यूरेट ड्रेस है और फैंस कई सालों से इसका वेट कर रहे थे। साथ में विजन की कॉस्ट्यूम भी कॉमिक्स से ही पूरी तरह इंस्पायर्ड है। इस मोमेंट तक लग रहा है कि विजन को कुछ डाउट होने लगा है अपनी आसपास की चीजों को देखकर। शायद वांडा की रियलिटीज में कुछ लूप होल्स होंगे, जिस वजह से विजन अपने एमसीयू वाले लुक में इन्वेस्टिगेट करता हुआ दिख रहा है। यहाँ काफी और लोग भी हेलोवीन कॉस्ट्यूम में हैं, हो सकता है इनमें से कई लोग मार्वल कॉमिक्स से कुछ कैरेक्टर्स जैसी कॉस्ट्यूम पहने हो। अब ये फन ईस्टर एक तो शो देखकर ही पता चलेगा, यहां से तो कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा है। ये सीन एक और पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करते हैं कि क्या अगर वांडा की रियलिटीज कोलैप्स हो जाती हैं तो क्या उसके बावजूद भी विजन जिंदा रह सकता है। उसके बाद फिर से कैथरीन हान दिखती है, जो विजर्ड ऑफ ओज की विग्ड विच ऑफ द वेस्ट की तरह ड्रेस्ड है। यहाँ वे कार में है, और विजन के मैजिकल टच से अचानक वो होश में आ जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि इन रियलिटीज में विजन की पावर्स क्या होंगी, जो पहले एमसीयू में थी वही सेम पावर्स होंगी, या फिर वांडा कुछ नई पावर्स भी क्रिएट कर देगी, जैसे ये मैजिकल टच, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे विजन के टच करते ही कैथरीन के ऊपर से स्कारलेट विच का मैजिक खत्म हो गया हो, क्योंकि वो पूछती है क्या मैं मर गई हूँ, अगर नहीं
तो तुम यानी विजन मर चुके हो, जो कि रियल वर्ल्ड में हो भी चुका है। उसके बाद उसके कातिलाना हंसी सुनाई देती है। अब काफी फैन थियरीज हैं कि कैथरीन हान अगाथा हार्कनेस का रोल प्ले करेंगी। कॉमिक्स में ये स्कारलेट विच की मेंटोर रह चुकी, जिसने स्कारलेट विच को रियलिटी अल्टरेशन करना सिखाया था। हो सकता है एंड गेम के बाद स्कारलेट विच अगाथा हार्कनेस से मिली हो, जिसने उसे ये विद्या सिखाई हो रियलिटी चेंज करने वाली। ट्रेलर के लास्ट में एक बबल जैसा कुछ फटता है और दिखती है मोनिका रैम्बो, जो शायद स्कारलेट विच की रियलिटी से रियल वर्ल्ड में फेंक दी गई है, कि वहां दिन था और यहां रात दिख रही है। अब मोनिका का बचपन हम कैप्टन मार्वल में देख चुके हैं ऑलरेडी, कॉमिक्स में इनके पास भी सुपर पावर्स हैं, तो शायद इस शो में भी कुछ ऐसा देखने को मिले। और कुछ लीक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मोनिका स्वॉर्ड एजेंसी के लिए काम करती हैं, जिसकी हिंट हमें फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट सीन्स में निक फ्यूरी से मिली थी। ये स्वॉर्ड शील्ड जैसी एजेंसी है जो स्पेस और रियलिटी से रिलेटेड थ्रेट से डील करती है। और यहाँ पर लग रहा है कि स्कारलेट विच ने वेस्ट व्यू टाउन में जो अपनी अलग दुनिया बनाकर रखी है, उससे बाहरी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस वजह से इन सारी सीक्रेट एजेंसीज को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि वेस्ट व्यू टाउन के जस्ट बाहर पूरी मिलिट्री सेटअप की गई है। अब ये जो आदमी सामने दिख रहा है, ये शायद मैंने एजेंट कार्टर शो में देखा हुआ है, क्लियरली तो नहीं पता, लेकिन शायद आगे के ट्रेलर्स में कुछ पता चले। स्कारलेट विच को पूरे ट्रेलर में हम कई बार रियलिटीज चेंज करते हुए देख चुके हैं। उसके बाद ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब इसके प्लॉट को समझने की कोशिश करें तो शायद एंड गेम के इवेंट के बाद, जब ज्यादातर स्कारलेट विच के फ्रेंड्स आसपास नहीं होंगे, तो उसे विजन की कमी बहुत ज्यादा खलने लगेगी, जिसके बाद वो किसी दूर टाउन में जाकर एक अलग रियलिटी क्रिएट करेगी, जहां हर चीज उसके हिसाब से होगी। जैसे ही कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती होगी तो वो तुरंत एक नई रियलिटी क्रिएट कर देती होगी। अब विजन इन सब में कैसे आया, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इस वेस्ट व्यू टाउन की रियलिटी की वजह से रियल वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, जिससे स्वॉर्ड या शील्ड जैसी एजेंसी सब ठीक करने की कोशिश करेंगी, और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बीच स्टोरी घूमती रहेगी। प्लस कैथरीन हान का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ट्रेलर तो जबरदस्त लगा मुझे, अब जल्दी से शो आ जाए तो और भी मजा आ जाए। कहां 2020 में इतना कुछ देखने वाले थे हम लोग, और क्या क्या देखना पड़ गया। खैर अब इस वीडियो में इतना ही। अब इस ट्रेलर में से अपना सबसे फेवरेट मोमेंट कमेंट्स में बताइए, और अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीली बर्फीले चैनल को, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी हैं, तो ब्लू एसबर्ग को भी वहां फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।